नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। बोकारो में गणेश पूजा के अवसर पर विसर्जन में देखी गई लाखों की भीड़। दूर दूर से लोगों का हुजूम विसर्जन में उमड़ पड़ा है। ये भीड़ बोकारो के मजदूर मैदान हनुमान मंडली के द्वारा आयोजित गणेश पूजा के विसर्जन का है, जहां लगभग लाखों की भीड़ श्री गणेश को विदाई देने पहुंची। ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पूरा बोकारो घंटों जाम में फंसा रहा, यातायात बाधित रही। ये भीड़ केवल बोकारो के लोगों की नहीं बल्कि दूर दराज से आए लोगों की भी है। इसकी एक खास वजह बताई जा रही है। दरअसल विसर्जन के दौरान विख्यात साउंड डीजे सर्जन को लेकर भी जहां हाल ही के दिनों में साउंड के मुकाबले में डीजे सर्जन का नाम लोगों की जुबानी सुनने को मिल रही है। बता दें कि डीजे सर्जन की खासियत इसके साउंड को लेकर और इसकी लाइटिंग पूरे भारत में फेमस हो चुका है। इस डीजे की सेटिंग में पूरे एक दिन पहले से ही तैयारी चल रही थी, जहां एक दिन पहले कई राज्यों के कोने कोने से हजारों की संख्या में यूट्यूबर इसके कवरेज करने पहुंचे थे। और बता दें कि इस साल के विसर्जन को बोकारो का ऐतिहासिक गणेश पूजा विसर्जन भी कहा जा रहा है। इतनी भीड़ पहली बार गणेश पूजा के विसर्जन में देखी जा रही है। अब सवाल यह है कि डीजे की इतनी तेज ध्वनि थी कि कितने मकान के छत प्लास्टर टूटकर गिर रहा था, खिड़की के कांच टूटकर गिर रहे थे। ऐसे में दिल के मरीज पर क्या असर पड़ा होगा, ये किसी अधिकारी या पदाधिकारी के जहन में नहीं आया। इस तरह की भीड़ थी उसको देखने से साफ होता है कि अगर भगदड़ होती तो सैकड़ों की संख्या में जान जाने संभावना बन सकती थी, लेकिन किसी तरह का अप्रिय घटना नहीं घटी। अगर घटती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए केसरिया न्यूज।